नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की सरकार। मैं हूं फरजान तनवीर। अभी मैं बारिश नगर विधानसभा के सोवन ठकुवाड़ी इलाके में हूं। यहां देखते हैं आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता का क्या रुझान है। तो हमारे साथ कुछ लोग हैं, वो बताएंगे आपको। तो भैया, आपका नाम क्या हुआ? रोशन कुमार झा। तो आने वाला विधानसभा का जो इलेक्शन है, उसमें आप अपना विधायक किसको चुनना चाहते हैं? डीके सिंह जी को। क्यों? अच्छा आदमी। क्यों? अभी जो आपके विधायक हैं मुन्ना मंडल जी, उनके काम से संतुष्ट नहीं है आप? बिल्कुल नहीं। कैसे? तो अपना काम से मतलब रखते हैं, बस वोट मिल गया हो गया। वोट मिल गया हो गया? क्या ये वो आते हैं यहाँ आपकी समस्या जानने के लिए? कभी नहीं आए। कभी नहीं आए, तो इसलिए आप नहीं चुनना चाहते हैं। तो भैया, आपका क्या रुझान है, आप क्या करना चाहते हैं? चलिए, आप तो युवा हैं, आपका क्या है? बीके सिंह जी को ही क्यों जिताना है? जैसे कौन सा काम उनका अधूरा रह गया? जैसे पुलिया निर्माण हुआ या रोड हुआ, जितना भी है हमारे गांव में बहुत सारे काम अधूरा है। अच्छा, और बीके सिंह जी को ही क्यों चुनना चाहते हैं? क्या आपके जो अधूरे काम है, क्या उनको वो पूरा कर पाएंगे? आपको क्या लगता है? जरूर कर पाएंगे। चलिए भैया, आपका नाम क्या हुआ? सौरभ कुमार जी। तो आपका क्या है कहना? उस तरफ जाओ ना, उस तरफ जाओ। क्या मुन्ना मंडल जी से आपके इलाके के लोग इतना नाखुश क्यों है? नहीं काम करते हैं, जनता को काम नहीं है। तो क्या आपके नजर में सबसे अच्छा उम्मीदवार कौन है इस बार? ऐसा क्यों? बीके सिंह जी लगता है। क्या ये आपके इलाके में कभी कुछ किए हैं? क्या मुन्ना मंडल जी के काम से आप संतुष्ट नहीं है? अच्छा, वो नॉर्मल आदमी के बारे में नहीं सोचते हैं, और कुछ? चलिए, धन्यवाद भैया। आने वाले विधानसभा इलेक्शन में आप अपना नेता किसको चुनना चाहते हैं? बीके सिंह को ही क्यों? क्योंकि महामारी आई है, कोरोना हो गया, वार्ड हो गया, इन सब सिचुएशन को देखते हुए ना हमारी पंचायत ना हमारे तो भाई यहाँ ज्यादा आदमी है, ज्यादा अच्छा रहेगा ना, भीड़ होना ना। चलो पंचायत का हो या फिर वार्ड का भी भैया, आप तो यंग हैं, तो आपका क्या सोचना है आने वाले विधानसभा इलेक्शन में? आप अपना नेता किसको चुनना चाहते हैं? बीके सिंह जी। क्योंकि सबसे युवा में उम्मीदवार जनता की सेवा में जाएंगे, इसी कारण हम लोग उनके थे। अच्छा, अभी जो आपके वो है नेता है मुन्ना मंडल जी, तो उनके काम से आप संतुष्ट नहीं है? क्यों? क्योंकि वो काम के काम है, हमारे गांव से लड़ा है, जैसे महामारी चल रही वो दलन अभी कभी नहीं, इसलिए हम लोग नफरत करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं,
यहाँ की जनता, यहाँ के युवा काफी नाखुश है मुन्ना मंडल जी से, क्योंकि वो वोट लेकर चले जाते हैं, उसके बाद दोबारा उनके बीच नहीं आते हैं उनकी समस्या जानने। यहाँ के युवाओं और यहाँ के जनता के सबसे फर्स्ट च्वाइस है वीके सिंह जी, जो युवा है और काफी काम करते हैं। लोगों का कहना है कि इनकी समस्या में हमेशा आते हैं। चलिए कुछ और लोगों से हम मिलते हैं। बाबा, आने वाला जो इलेक्शन है विधानसभा का, उसमें आप अपना नेता किसको बनाना चाहते हैं? हम सिंह साहब जो हमारे लिए इमामस नगर चौक में जो काम किए उनके लिए हम एकदम तहे तहे दिल से और समाज के बीच में हाथ जोड़कर करना चाहूँगा। जो आने वाला समय में इनको याद करके पटना भेजिए और अपना सरकार बनाने का आह्वान कीजिए। सिंह साहब को बीके सिंह? हाँ, बीके सिंह जी। हाँ, हमारा नारा रहेगा जो आन बदल दो, सन बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। ये नारा हम कहने और कहने से इंकलाब जिंदाबाद। अभी जो आपके विधायक जी हैं मुन्ना मंडल जी, तो उनके काम से आप खुश नहीं है? उनसे हमारा क्या लाभ है? वो क्या किए हमारे वारिस नगर प्रखंड के लिए? क्या किए? जमींदारों को रुपया दिए, गरीबों के बीच में वो आज तक कभी नहीं आए। गरीबों के बीच में उनका कोई योगदान नहीं रहा। वो जमींदारों के लिए अपना वर्चस्व बना करके लीजिए। धन्यवाद।